हे गाइस, कुछ कम लग रहा है ना वीडियो के अंदर, स्पेशली साउंड ऑडियो क्वालिटी। अभी एक बार चेक करके बताओ ऑडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है। अब भी कभी नीचे कमेंट करके बताओ ऑडियो क्वालिटी कैसा है। हम लोग कौन है? गेमर्स, पीसी बिल्ड करते हैं। लेकिन पीसी बिल्ड करने से ही गेमर्स नहीं बन जाता, उसके साथ नेसेसरी जो सारे इक्विपमेंट होता है, जो सारे एक्सेसरीज होता है, वो भी चाहिए होता है। लाइक गेमिंग हेडफोन हो गया या फिर गेमिंग माइक हो गया। एंड ये है फिनफाइन की तरफ से RGB गेमिंग माइक, जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर करेगा, क्योंकि सामने वाला जो आपका ऑडियो सुनेगा वो भाई सोचेगा कि भाई कौन सा माइक यूज़ कर रहा है। स्पेशली अगर आप यहाँ पे वैलोरेंट, पबजी या फिर वार जोन जैसा गेम खेल रहे हो, तभी तो बन पाओगे एक अच्छा स्ट्रीमर। देखो, यूट्यूब के ऊपर अगर आप स्ट्रीमिंग चैनल ऑन करते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपका ऑडियो वॉइस ओवर। एंड आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हो और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने में कतराते हैं, नेचुरल सी बात है। एंड वहीं पे एंट्री मारता है फिनफाइन की तरफ से ये वाला गेमिंग माइक। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीमियम रहता है गाइस। बॉक्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पूरा पैक हो गया है। मेरे केस में ये पॉप फिल्टर लगा हुआ है, बिकॉज मैंने जब रिसीव किया तब इस पॉप फिल्टर को मैंने लगाया था एंड उसके बाद इसको रिमूव नहीं कर पाया। बॉक्स के अंदर इसका मेन कॉन्टेंट माइक मिलता है, पॉप फिल्टर मिलता है, एक टाइप सी टू टाइप ए USB केबल जो 2.5 meter लंबा है, एंड टेबल माउंटिंग सॉकेट विथ बूम आर्म। ये जो माइक है ये प्लग एंड प्ले माइक है, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। सिंपली इसके साथ आपको जो टाइप सी केबल मिलता है उसको माइक के साथ अटैच करना है एंड आपका PC या फिर लैपटॉप के अंदर USB केबल के अंदर अटैच करना है, बस आपका जिंदगी में रंग भर देगा। ये जो माइक है ये आपका कुछ हद तक नॉइस को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि ये माइक कार्डियो पोलर पैटर्न के साथ आता है। मतलब मैंने अगर सही बोला होगा तो आपको समझ में आ गया, ये माइक बेसिकली सामने से रिकॉर्ड करता है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो पीसी की तरफ से ऑडियो यहाँ पे इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। बाकी मैं अगर इसको सीधा घुमा देता हूँ तो सामने की तरफ से ये ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। सो बेसिकली पीछे के साइड से जो सारे ऑडियो या फिर नॉइज़ आता है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर देता है। एंड इससे होता क्या है, आपका क्वालिटी, जो ऑडियो क्वालिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है, नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाता है थोड़ा सा। इस माइक के नीचे की तरफ आपको एक वॉल्यूम एडजस्ट नॉब देखने को मिलता है, जिसको आप घुमाओगे तो आप अपना वॉइस तो फिर से बढ़ा रहा हूँ तो इसका जो वॉइस का गेन है वो बढ़ रहा है। वेल, आप लोगों में से कुछ लोग शायद से सोच रहे हो यहाँ पे माइक के साथ कनेक्ट करके अगर मैं OTG का इस्तेमाल करके मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दूँ तो क्या ये माइक चलेगा? नहीं चलेगा गाइस। एक्चुअली ये माइक 5 volt पे ऑपरेट करता है, तो आपका मोबाइल डिवाइस के अंदर से 5 volt निकालना बिल्कुल भी नामुमकिन है। बट अगर आप सोच रहे हो कॉम्पेटेबिलिटी ऑप्शन क्या क्या है, तो विंडोज के साथ तो चलता ही है, विंडोज PC लैपटॉप, आप मैक के साथ भी चला सकते हो एंड PS5 के साथ भी ये कॉम्पेटेबल है। स्ट्रीमर्स के लिए इसके अंदर एक बहुत कमाल का फीचर है, लाइक आप स्ट्रीम कर रहे हो एंड कुछ अनयूजुअल चीज होता है जिसको आप ऑडियंस तक सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपली इसके अंदर यहाँ पे टैप करता हूँ तब जाके आपको ऑडियो आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा, सिर्फ टच करो आपका म्यूट हो जाएगा माइक। ये जो पूरा वीडियो है, ये टोटल वीडियो का ऑडियो इसी माइक से रिकॉर्ड किया गया है। बट आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए, मैं जो रेगुलर वीडियोस बनाता था, जो मेरा बोया माइक था, उसके साथ आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये मैंने बोया का माइक लगा लिया अपने कॉलर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अभी से आपको जो साउंड सुनाई देगा वो मैं स्विच करता रहूँगा एंड वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि कौन सा माइक से आपको कौन सा ऑडियो सुनाई दे रहा है। हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। वैसे गाइस, इस वाले ऑडियो पे हम लोग कोई एडिटिंग नहीं किया है, पूरा और रॉ यहाँ पे ऑडियो क्लिप है। अभी आपको शायद से थोड़ा और ईजी रहेगा कौन सा क्वालिटी कितना अच्छा आपको सुनाई दे रहा है, नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, जितना भी जो कुछ होता है कर दो यार। नहीं करोगे कर दो यार। साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा, जो आपका वॉइस का पिच है, जो आपका बेस है, क्रिप्स एंड क्लियर साउंड करता है गाइस। जब आप रिकॉर्ड करके सुनोगे तब आप खुद रियलाइज कर पाओगे कि माइक का जो ऑडियो का आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड काफ़ी ज़्यादा वजन देता है आपका वॉइस के अंदर। एंड ऑडियो क्वालिटी गाइस एक नंबर, आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद से सुन रहे हो। ये जो माइक है ये शॉक एब्जॉर्ब माउंटिंग के साथ आता है, यहाँ पे कुछ रबरिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ताकि माइक और भी ज़्यादा स्टेबल रहे। इससे आपका माइक का बूम या फिर आपका माइक हिल जाता है यहाँ पे, तो जो वाइब्रेशन है
वो माइक तक यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो आपका ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, ज्यादा नॉइज यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाएगा। फिनफाइन A60 एक कंडेंसर माइक है, प्लग एंड प्ले फीचर के साथ आता है, कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ऑल ओवर माइक पे आपको पूरा RGB देखने को मिलेगा, रेनबो कलर ऑटोमेटिकली ग्लो करता रहता है, टैप टू म्यूट फीचर मिलता है जो स्ट्रीमर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है, इनबिल्ट साउंड कार्ड है इसके अंदर, वॉल्यूम गेन एडजस्ट नॉब देखने को मिल जाता है जिससे आप अपने वॉल्यूम को अप या फिर डाउन कर सकते हो, कॉम्पेटिबिलिटी विंडो मैक एंड PS5 के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड प्राइसिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है। फिनफाइन का ये वाला माइक आपको दो वेरिएंट पे देखने को मिलेगा, फिनफाइन A60 जो बूम आर्म के साथ आता है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अनदर वन इज फिनफाइन A6V जिसके साथ आपको एक छोटा सा माउंटिंग ट्राइपॉड मिलता है। दोनों का प्राइसिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, 300 से 400 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप बूम आर्म के साथ लेते हो, एंड मेरे हिसाब से यही समझदारी वाला ऑप्शन है। वेल एट द एंड जनता जनार्दन, आप मुझे बताओ कि इस साउंड क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है इस माइक का। आप मेरा पहला वीडियो अगर देखा होगा तो, अगर नहीं देखा फिर देख के आओ, उसके बाद आप बताओ ये साउंड क्वालिटी एंड पहला वीडियो का साउंड क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपका बाय करने का मन है, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस माइक को परचेस कर सकते हो। वेल आई होप आपका गेमिंग चैनल स्ट्रीमिंग चैनल के लिए ये माइक आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा यूनिक टाइप का वीडियो बनाने का कोशिश किया, मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। बाकी आज का ये वीडियो यहाँ पे ही रहने देते हैं, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।